नमस्कार, सी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीनी। नए कश्मीर में आतंकवाद को विकासवाद से जवाब मिल रहा है और नए कश्मीर के विकास से चिढ़ रखने वाले आतंकियों ने आज बारामूला में आतंकी हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने बारामूला में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पर हमला किया और इस हमले में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान शहीद हो गया है। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप ये समझिए इन तस्वीरों को देखकर कि किस तरह से अब आतंकवादियों की चिढ़ सामने आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब विकास के राह पर आगे बढ़ चला है और ऐसे में आतंकवाद का एक तरफ खात्मा तो दूसरी तरफ विकासवाद की तरफ जम्मू कश्मीर। इसीलिए आतंकियों की तरफ से भी हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जो घाटी को दहलाने की हो सकती है, लेकिन आतंकियों को यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि वो अब बचेंगे नहीं। आतंकवादियों के खिलाफ भारत का 4G अभियान जारी है। नए कश्मीर के विकास से आतंकवादियों को डर है। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट का ट्रायल शुरू हो गया है और गांदरबल और उधमपुर में ट्रायल के तौर पर 4G इंटरनेट सर्विस शुरू कर दी है। 8 सितंबर तक दोनों जिले में 4G इंटरनेट सेवा जारी रहेगी। और इस हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर के आईजी इसे लश्करे तैयबा के द्वारा किया हुआ हमला कह रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने इसे लेकर जानकारी दी वो एक बार पहले सुनिए। नाला के पीछे काफी घना बगीचा और जो डेपल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आर लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान और एक हमारे पुलिस के शहीद हो गए। 14 को हुआ था श्रीनगर में नौगांव में बाईपास में। ओके, आज ये दूसरा अटैक है, अब 4 दिन में 2 अटैक हुआ, लेकिन हम लोग इसका मुंह तो जवाब देंगे। हम लोग अपना शरीर चेंज कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि एलईडी ने अटैक किया है। और खालिद हुसैन मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या ताजा हालात? देखिए, अभी भी पूरे इलाके में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और जॉइंट ऑपरेशन है ये सुरक्षा बलों का, जिसमें सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो शामिल किया गया है। आईजीपी कश्मीर ने हमें बताया है कि ये लश्कर ए तैयबा मिलिटेंट संगठन है जिसने ये हमला जो है अंजाम दिया है, और 3 मिलिटेंट्स थे जो ऑर्चिड्स, एप्पल ऑर्चिड्स थे, उनके बीच से निकल कर आए और उन्होंने वहाँ पर जो नाका पार्टी थी, जॉइंट नाका पार्टी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि जो घायल हुए थे सुरक्षाकर्मी उनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुँचते उन्हें दम तोड़ दिया, वो शहीद हो गए हैं। तब से पूरे इस इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन मैसिव पैमाने पर चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है, क्योंकि बीती रात से ही अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में ऑर्चर्ड्स में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च है, क्योंकि रविवार शाम को भी एक जगह पर मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद फायरिंग भी कुछ देर चली थी और तब से ही लगातार इन मिलिटेंट्स की तलाश थी, लेकिन आज उन्होंने जो हमला किया उसके बाद इस तलाश को और ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ खालिद। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य सर जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि अब हम ये कह रहे हैं और हम तस्वीरें हर रोज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद की जगह नहीं है, अब जम्मू कश्मीर आतंकवाद को पीछे छोड़ विकास की राह पर आगे बढ़ गया और शायद जो हमले हो रहे हैं, जो खींच आतंकियों की निकल रही है वो इसीलिए। ऐसा है कि जो कश्मीर वैली है वहाँ किसी एक एरिया को ये कहना कि हमने मिलिटेंसी फ्री कर लिया और बाकी एरिया में मिलिटेंट्स हैं, वो गलत होगा, क्योंकि ये सारा इंटरलिंक्ड डिस्ट्रिक्ट्स, पूरी वैली जो है इट्स एज ए होल। तो वहाँ जब तक कुछ टेररिस्ट रहेंगे तो ये इंसिडेंट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नंबर ऑफ टेररिस्ट बहुत कम हुए हैं। अगर आप देखें, हमने 90 में 2000, 2500, 3000 टेररिस्ट की स्ट्रेंथ रहती थी, आहिस्ता आहिस्ता आज 150, 200, 250 के बीच में स्ट्रेंथ आ गई है। इसमें काम करने की ज़रूरत ये है कि जितनी आप इन्फिल्ट्रेशन को कम करने में कामयाब होंगे और जितने नए लड़के रिक्रूट होने में हम प्रिवेंट कर सकें, वही हमारी कामयाबी है। और इस तरफ
डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, प्रोग्रेस हो रही है। आपने अगर देखा होगा कि रिक्रूटमेंट में 30-40% कमी आई है पिछले दो सालों के मुकाबले में या एक साल के मुकाबले में, और इसी तरह टेररिस्ट इंसिडेंट्स में कमी आई है। इंसिडेंट्स होते रहेंगे, 100% रोकना जब तक पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता पॉसिबल नहीं है। सर, अब आपने देखा, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी रहे हैं, आप हालातों को बेहतर तरीके से जानते हैं कि पहले क्या मुश्किल हालात रहे, हालांकि मुश्किलात अभी भी हैं, पर कैसे अब हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। आपने बताया कि नंबर ऑफ जो वहां पर आतंकियों की जो संख्या है वो भी काफी कम हो गई है, फंडिंग की कमी से जूझ रहे हैं, और आज से ही दो जिले ऐसे हैं जहां पर 4G इंटरनेट का ट्रायल शुरू हुआ है। यस, बिल्कुल। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप, ये कामयाबी होगी अगर ये ट्रायल सफल हो जाता है तो आने वाले वक्त में? ये बहुत मैं कहता हूँ अहम कदम है भारत सरकार का, क्योंकि आप किसी भी एक बड़ी पॉपुलेशन को, आज इंटरनेट एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि इस इंटरनेट को पाकिस्तान मिसयूज़ करता है। उनकी एक ही एम्बिशन है कि किस तरह से कश्मीर को बर्बाद किया जाए, हिंदुस्तान को तबाह किया जाए, और अब ऐसा पड़ोसी के साथ डील करने के लिए सर, माफी के साथ एसपी वैद्य सर, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, कुछ पुलिस ऑफिसर्स इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। इसके दो जवान वो जो है अपनी गाड़ी को यहाँ पे वाई जंक्शन के ऊपर में खड़ा करके, ड्राइवर बाहर निकला और पुलिस का एक जवान बाहर निकला, तो उसी में जो बंड और ये नहर है उसके पीछे दूर दूर तक जंगल है, बागात हैं, तो वो बंड के ऊपर से करीब 2-3 मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने 2-3 जगह से फायर किया, और हमारा जो जवान और पुलिस का एक जवान दोनों गाड़ियों के पास थे, वहाँ पे उनको गोली लगी। क्योंकि वो बहुत नीचे थे और मिलिटेंट्स फायर ऊपर से कर रहे थे, तो जो गोली लगी है उनको सभी को वो अपर पार्ट्स में ही लगी है। और तीसरा जवान जो था वो उससे और थोड़ा सा आगे, जो पीछे वाली टोली के साथ आगे बढ़ा था, उसको भी गोली लगी है, और फिर उनको यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकाला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तीनों जवान शहीद हुए, जिसमें 2 CRPF के हैं और एक पुलिस का है। CRPF की जो टोली पीछे से सर्च कर रही थी, जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने फायर किया, और फायर करते हुए थोड़ा तक आगे बढ़े, दूसरी टोली जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो यहाँ थी, उसके बाद ये लोग भी आगे बढ़े। फिर जब बागात की सर्च की गई तो उसमें काफ़ी खून के निशान मिले, एक फिरन मिला, और सर्च को आगे तक जब किया गया तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर जाके मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने कपड़े अपने चेंज किए हैं, वहाँ 3 फिरन और मिले हैं, काफ़ी मात्रा में जो है वो खाने पीने का सामान भी मिला है, और उसके तुरंत बाद पूरा एरिया जो है। तो ये पुलिस अधिकारी जो इस बात को लेकर वहां पर बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये ऑपरेशन शुरू किया गया, और अभी भी वहां पर हालांकि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसपी वैद्य सर मेरे साथ लगातार हैं, सर अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल उसी के साथ ये भी है कि हम अब ये कह रहे हैं, ये कह सकते हैं अब कि वहां पर आतंकियों की संख्या कम हो गई है, उनके ऑपरेशन विफल हो रहे हैं लगातार, फंडिंग की कमी है, पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन सर फिर भी इस तरह के हमले होते हैं, आज भी 3 जवान हमारे शहीद हो गए, आपको लगता है कि अब अगले कदम की भी बारी है, और अगला वो कदम क्या होना चाहिए आपकी नजर में? पहले मैं इंटरनेट की बात कंप्लीट कर लूं। इंटरनेट बहुत जरूरी है, और भारत सरकार नहीं चाहती है कि एक पूरी जम्मू कश्मीर की लोगों को, इंटरनेट आजकल एक जरूरी हिस्सा है एजुकेशन में, बिजनेस में, ट्रैवल में, हर चीज के लिए, तो इसीलिए ट्रायल के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट चुने हैं, उधमपुर और गांधरबल, और मुझे विश्वास है इसमें कामयाबी होगी, और जैसे ही जितना जल्दी हो सके सारे रियासत को इंटरनेट 4G देना चाहिए, एक अहम कदम है। सिर्फ हमें इसका सेफगार्ड देखना है कि पाकिस्तान इसका मिसयूज ना कर पाए। अभी आपके सवाल की तरफ आते हुए कि
हमें ये फैक्ट है कि टेररिस्ट की स्ट्रेंथ कम हुई है, अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखें तो हमें कंटिन्यू करना है एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी की अडॉप्ट करके, ताकि लड़के गुमराह होकर टेररिस्ट रैंक्स में ज्वाइन ना करें। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी और उसमें बहुत सारे कदम लेने की ज़रूरत है। वो मुझे विश्वास है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और J&K एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट उस पर कदम ले रही होगी। और दूसरा, किस तरह से हम हथियारों का और टेररिस्ट का पाकिस्तान से LOC से आने की पर रोक कम लगाकर कम से कम तादाद कर सकते हैं। जैसे जब से फेंस बनाया गया है ये मिकदार भी बहुत कम हुई है। जिस तरह पंजाब में फर्क पड़ा था बाउंड्री बनने से, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता जब से ये LOC में और IB सेक्टर में हमारा फेंस बना है, उसके बाद बहुत कमी आई है। और इसकी तरफ आगे बहुत सारे आधुनिक वो लगाए गए इक्विपमेंट लगाए गए, जिससे डिटेक्शन इजी हुआ है और आगे इस तरफ हमारा कदम और आगे बढ़ने चाहिए, ताकि हम टेररिस्ट का और हथियारों का आना कम कर सकें। ठीक है सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए इस खबर पर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर आतंकवाद की राह पर नहीं, अब जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है और इसीलिए आतंकियों की चिढ़ समझी जा सकती है कि वो बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में अब इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं।